हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और फिर से आप सबके लिए मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आऊं। आज मेरे साथ अमित है। अमित बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एंड आप सबको अमित की स्टोरी मैं सुनाने वाला हूं। अमित सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है। इनका सिलेक्शन 6 कंपनीज में हुआ था एंड 1 कंपनी से उन्होंने फाइनली ऑफर लेटर भी लिया। सो वो सुनते हैं वो सारी स्टोरी अमित की। सो हाय अमित, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सर, आई एम डूइंग ग्रेट एंड हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग हेयर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प टू ऑल ऑफ द सीएमए स्टूडेंट्स। वेल सर, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी सर, सो आई वुड लाइक टू थैंक टू यू फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हु आई एम एंड हाउ कैन आई शेयर माय जर्नी विद ऑल, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके सो अमित, लाइक आपने जब मेरे कोर्स रॉकर इंटरव्यू को ज्वाइन किया था, वो कोर्स आपके इन सारी कंपनीज के इंटरव्यू में काफी हेल्प किया या फिर कैसा रहा परफॉर्मेंस मेरे कोर्स का आपके लाइफ में? सर बेसिकली मैं अगर बोलना चाहूँ तो वो जो रॉकियर इंटरव्यू था, रॉकियर इंटरव्यू का जो भी मतलब कंटेंट था, मतलब वो सब कुछ में मतलब सब कुछ हेल्प हुआ मेरा, मतलब सिलेक्शन होने में और इंटरव्यू देने में। और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले एक टेलीविजन तो जैसे कि क्या हुआ कि मेरा जो पहला टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था वो एक एमएनसी में था, मतलब ड्यू टू सम रीजन एंड ड्यू टू सम इवेंट में अटेंड करने के बाद मैं वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ था। वो मेरी पहली इंटरव्यू, और एट दैट टाइम मैं कैमरे के सामने थोड़ा नर्वस व्यक्ति था। वो सब कुछ आपके कंटेंट में एडेड था, मतलब वो जो पीडीएफ आपने प्रोवाइड की और जो जैसा भी आपका गाइडेंस था, मतलब सब कुछ मुझे हेल्प किया वो, मतलब इंटरव्यू देने में। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन मेरी फर्स्ट फर्स्ट जो इंटरव्यू थी वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं गया। तो मतलब जो उसके बाद जो भी दिया मैंने, एटलीस्ट 10 कंपनी में मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें मतलब 6 जगह मेरे सिलेक्शन हो गए थे, और अपार्ट फ्रॉम 6 मेरा एक में एक कंपनी से मतलब ऑफर लेटर आ गया था। और मतलब ऐसे इसे देखा जाए तो 7 कंपनीज में मैं सिलेक्शन हो गया था, मतलब और जो राइट, 3-4 कंपनी थी तो मतलब वो वहां ड्यू टू सम रीजन में रिजेक्ट हो गया। एंड वन मोर थिंग कि लाइक आप बिल्कुल फ्रेशर हो, राइट? यू हैव डन एनीथिंग आपके प्रीवियसली? एनी इंटर्नशिप? आई नो थिंक वी सर, हैव नॉट आई एम डन, कंप्लीटली राइट? फ्रेशर। एंड यू गॉट ए ऑफर बिटवीन लाइक 22,000 to 28,000, राइट, एज ए यस सर, फ्रेशर? इट इज जस्ट 25। यस सर, इट इज 25,000। आई कैन डिस्क्लोज दैट, ओके, दैट 25,000 विथ अकोमोडेशन एंड फूडिंग। विथ अकोमोडेशन, फूडिंग। सो इट एज ए यस फ्रेशर सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड, इफ यू आर गेटिंग 25,000 एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, सो राइट नाउ आई थिंक आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जस्ट ना आपको इस स्टोरी से सीखना चाहिए, इफ यू हैव अ पोटेंशियल टू अर्न मोर एज ए सीएमए ट्रेनी, देन यू शुड गो फॉर ए नेक्स्ट लेवल। सो या अमित, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी। ओके, सो वेन यू ज्वाइंड योर सीएमए एंड हु मोटिवेट एंड गाइडेड यू टू ज्वाइन सीएमए? सर, बेसिकली आई हैव जॉइन माय सीएमए फाउंडेशन, ओके इन माय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। जब ओके मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरे जो टीचर हैं, मतलब मैं 12th, 11th 12th और ग्रेजुएशन एक ही जैसे कोचिंग लिया हूँ, तो मतलब वो जो सर थे तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस है और उनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरी मतलब लाइफ के सक्सेस में। और क्या हुआ कि उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया था मुझे, मतलब मैं जब 11th में ज्वाइन हुआ एज एन कॉमर्स स्टूडेंट, बेसिकली बिहाइंड दैट मतलब और भी ज्यादा स्टोरी है, मतलब कि क्यों मतलब ज्वाइन किया मैंने कॉमर्स। बट जब मैं पहले दिन मेरा 11th का मतलब ज्वाइन किया था, तब से मैं प्रोफेशनलिज्म का कोर्स, मतलब क्या होता है कॉमर्स में, मैं ढूंढने लग गया। और मैंने सर को पूछा भी था, मतलब जो पहले क्लास और सीएसए में, ये दोनों मैंने मेरे मतलब मेरे माइंड में थे। और 12th में मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि सीए करना है या सीएमए करना है। और जैसे कि मैंने सर को बताया, और मतलब 12th क्लियर होते ही सर ने बोला यू यू शुड गो फॉर सीएमए, बिकॉज सीए के कोर्स जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपको जल्दी क्लियर करना है और जल्दी सक्सेस पाना है तो यू शुड गो फॉर सीएमए, सो दैट आई कैन ज्वाइन द सीएमए कोर्स।
सो एंड लाइक आई हैव कंप्लीटेड. या यस सर. सो लाइक जब आपने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया तो जर्नी चैलेंजिंग था या फिर आपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने फाउंडेशन इंटरमीडिएट आप क्लियर करते चले गए? यस सर. मतलब चैलेंजिंग तो था. मतलब मैं फाउंडेशन मेरा जैसे कि आपको बताया, मैं फर्स्ट सेम में मैंने ज्वाइन किया और मैंने खुद से ही पढ़ाई करी. मतलब कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ कुछ नहीं, और खुद से ही पढ़ाई करी, खुद से ही स्ट्रैटेजी बनाया. और मतलब बीच बीच में मैं रुक भी जाता था. मतलब कैसे होगा, क्यों होगा. मतलब जैसे तो जैसे मैं जैसे रजिस्ट्रेशन करने गया था, बेसिकली आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, लाइक जस्ट 78% या 80%, मतलब इतना ज्यादा आ जाता है मेरा. और बेसिकली मतलब मैंने कहीं सुना था, तब मैं मतलब जब मैं पहली पहली बार सीएमए में गया था, कि इसमें 90% वाले बच्चे आते हैं. मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है. बट मैंने जब ज्वाइन किया था, तब मेरा मतलब मन में एक डर था. और मैंने पढ़ाई करी, खुद से करी, और आई हैव पास हुई थे फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग मार्क ऑफ कलर्स. एंड इट इज गुड, इट इज बेसिकली ए गुड मार्क फॉर मी. एंड मेरा पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो गया था. उसके बाद मैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन लेने में, जो इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन था, तो वो मतलब लेने में थोड़ा लेट कर गया. मतलब 2-3 महीने लेट हो गए थे, क्योंकि तब मतलब फैमिली में थोड़ा पैसा आना जाना मतलब इशू था. तो मतलब 2-3 महीने वेट किया, उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया. मैं इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन लिया. बेसिकली मेरा टर्म जो था वो जून में ड्यू था. जैसे कि आपको पता होगा, 2020 में कोविड आया, और मैंने अपने अपने हिसाब से इंटरमीडिएट का बोर्ड ग्रुप देने का जून में सोचा, और वो भी खुद से पढ़ाई कर, और कहीं से भी क्लासेस नहीं लगवाए थे, खुद से ही स्ट्रेटेजी बिल्ड करी. मतलब खुद से ही स्ट्रेटेजी बनाया, और टाइम टेबल भी मेरा खुद से ही बना रहता था, और पढ़ाई खुद से होती थी. कॉन्सेप्ट वगैरह मतलब मैं यूट्यूब से सर्च करके थोड़ा थोड़ा देख लेता था सब. और बेसिकली वो जो मतलब फॉर्मेटिंग एक होती है, मतलब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे हो गया, जैसे मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन में भी कहीं कहीं एक एक जगह होता है. मतलब ये जो प्रॉब्लम चैप्टर होता है, वहां से थोड़ा फॉर्मेटिंग का थोड़ा इशू आता था, वो मैंने 12th में अपना सीख लिया था. तो बेसिकली मतलब ये सब ड्राफ्ट करना मुझे मुझे ठीक ठाक हो जाता था. एंड द फाइनेंशियल सब्जेक्ट दैट आई हैव लव्ड मच, एंड आई जस्ट लव इट. एंड वो मतलब सब कुछ मैं करके गया. और जून में जैसे आपको पता होगा कि कोविड के कारण मतलब पोस्टपोन हो गया. दिसंबर में अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ, उसके बाद जनवरी में अटेम्प्ट वो एग्जाम हुआ. तो मतलब आई हैव पास्ड द ग्रुप 2, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ग्रुप 1 का एग्रीगेट नहीं हुआ. मतलब हर वो सब्जेक्ट में मैं पास हो गया था, बट पोस्टिंग का जो पेपर था, मतलब मैंने हर वो कंसेप्ट समझा था, बट पोस्टिंग के एग्जाम वाले प्रीवियस डे में मैं प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे होम सिटी से मतलब 60 किलोमीटर दूर होता है मेरा एग्जाम सेंटर. बेसिकली 60 से 80 किलोमीटर दूर होता है. तो मतलब वैसे मैं प्रैक्टिस करके नहीं जा पाया. तो ड्यू टू सम रीजन मेरा कॉस्टिंग का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था. मैंने घर पे आके ही रोना चालू कर दिया था उस दिन. मतलब प्लस 3 सेकेंड ईयर में था. मतलब मैंने पापा को बोला कि अब मेरा कॉस्टिंग का पेपर गया, और मैं पास वो जो पास नहीं हो पाऊंगा. और बेसिकली जब रिजल्ट निकला था, मतलब कॉस्टिंग में पास कर गया था, लेकिन मतलब मेरा ग्रुप 1 का रिजल्ट 3 मार्क्स से रह गया. और उसके बाद वाले जो टर्न था, वो मतलब उसमें भी कोविड आया था, तब मैं फाइनल ईयर में था. फाइनल ईयर पास आउट भी हुआ. उसके बाद मैं मतलब जैसे मतलब टर्म मतलब पोस्टपोन होते होते गया, तो मैं थोड़ा लेजी हो गया. तो मतलब पढ़ाई हो रही कोई नहीं, और मेरा जो एमकॉम का एंट्रेंस था, उसके लिए मतलब पढ़ाई करने लगा, क्योंकि मुझे अपने उड़ीसा के टॉप कॉलेजेस में चाहिए थी. मतलब टॉप मोस्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन चाहिए, जो कि है उत्कल यूनिवर्सिटी. वहाँ मेरा ड्रीम था पढ़ने के लिए एमकॉम. तो मैं पढ़ाई में जुट गया, और एमकॉम में एडमिशन हो गया. उसके बाद मतलब सीएमए का इंटर का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया. मैंने पहले ही मैंने पापा को बोल दिया था, जब मैं इंटर का एग्जाम देने वाला था, मतलब दूसरी बार, कि आज क्लियर नहीं होगा, आप लेके आए हो. बेसिकली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब 10 मार्क्स का मेरा ग्रुप रह गया. उसके बाद मैंने जून 22 में दिया और पास हुआ. तुम्हारी स्टोरी से ना मुझे अपने दिन याद आ गया। मैं भी पहले जब पेपर देता था तो मैं घर पे पहले बोल के रखता था कि मैं पास नहीं करने वाला हूँ।
सो लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन न रहे कि यार ये पास कर जाएगा, ठीक है? तो पहले से एक्सपेक्टेशन रखता था कि यार यार मैं नहीं पास वैसे जी होगा। सर, वो मतलब वो जो December 21 को जो टर्म था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आया था। मतलब आई थिंक 191 आया था मेरा, मतलब कुछ भी नया, मतलब एक जो पढ़ा था प्रीवियस टर्म में ही पढ़ा था, प्रीवियस ईयर में कोई ओके प्रैक्टिस ओके, नहीं, ग्रेट मतलब 191 आ गया। ग्रेट। सो देन फिर आपका इंटरमीडिएट कब क्लियर हुआ? सर जून 22, जून 22 में जून फाइनली टू थाउजेंड आपने ट्वेंटी इंटरमीडिएट क्लियर किया था, राइट? एंड आई थिंक उसके कितने टाइम बाद आपने फिर मेरे कोर्स में आपने ज्वाइन किया? इस अभी ज्वाइन किया आई था ना, इसी थिंक इसी इस ईयर में, राइट? इसी ईयर में सर ज्वाइन किया था, मतलब 6-7 महीने के बाद ज्वाइन किया था, क्योंकि एट दैट टाइम माय एमकॉम वाज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, बट उसी के दौरान में मतलब एग्जाम वगैरह रहते हैं, राइट मतलब राइट मास्टर का डिग्री है तो थोड़ा बिजी रहता था। ओके। सो आपको मेरे कोर्स के बारे में कैसे मालूम चला था? सर बेसिकली मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं एक दो जगह इंटरव्यू देने के लिए सोच रहा था, क्योंकि तब एम कॉम मेरा खत्म होने वाला था, और मैंने सोचा कि एक बार इंटरव्यू देकर मतलब देख लेते हैं कि कैसा जाता है, मतलब मैं इसको सेम इंटरमीडिएट पास हूँ तो मतलब मेरा स्किल कितना राइट है। मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, मतलब कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मैंने मतलब ऐसे ABC एनालिसिस करके देखा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरी प्रोफाइल में कुछ कमी रही होगी, उसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं करा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने तुरंत ही सर्च करना स्टार्ट कर लिया कि क्या क्या मतलब मुझे एडिट करना है अपने प्रोफाइल में, जैसे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो सकूं, और क्या कुछ बोलना है HR के सामने। तो मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया, और बेसिकली मैंने मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था 2020 के, आई थिंक कोविड के टाइम के आसपास मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक किया आपकी बात, तो मैंने आपको कॉल किया, मतलब गूगल से नंबर निकाल के। तो उसके बाद मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, और पहला जो मतलब था, मतलब मेरा क्लास था आई थिंक वो Naukri.com का कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह था, और मैंने बहुत कुछ सीखा सर। मैंने ऐसा कुछ सीखा कि मतलब मेरा प्रोफाइल कुछ था ही नहीं उसके आगे, और उसके एडिट करने के बाद मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मैं मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली सर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा क्लासेस रहते थे, और जैसे उसके बाद मतलब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे मतलब मुझे कहीं पे भी इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए। राइट ड्यूरिंग राइट द एम कॉम मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, वो अच्छा नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गया अलग वाला इंटरव्यू, और लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है ये सब मैं नहीं जानता था। ओके। सो ओवरऑल आपकी इन अच्छी रही जर्नी, एंड देन सो यस सर, लाइक फिर जब आपका इंटरव्यू में जैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, आपने मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दिए, तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस एक लेवल अप था जब आप इंटरव्यूज दे रहे थे, राइट? यस सर, सो जो जब क्वेश्चंस पहला उनके थ्रू, इंटरव्यू में या बोलो आप, यस सर, हाँ यस सर, हाँ फिर नहीं वही पूछा था आप कि जो बोलिए। इंटरव्यू में जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कवर्ड कर रखे थे। यस सर, कवर थे, बट मेरा जो पहला इंटरव्यू था, मतलब उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब उसी को हमको ड्राफ्ट करके मतलब कैसे कैसे बनाना है, आपने बताया था, मतलब मैं वो जो मेरा मेरा पहला इंटरव्यू था वो मेरा जस्ट मेरा कॉलेज का जो फंक्शन, मतलब एमकॉम के फाइनल ईयर में थोड़ा फंक्शन वगैरह रहता है, उसके बाद वाले दिन हुआ था, और मैं फंक्शन अटेंड करके आई थिंक 10 बजे रात को 10 बजे आया था, और पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाई, और जो भी उन्होंने पूछा, मतलब मैंने क्लास में जितना स्टडी किया था, मतलब मेरा मेरे हिसाब से मैंने तो ज्यादा से आधा आधे से ज्यादा तो मैंने अटेंड कर लिया, और वो ठीक भी थे। और जो सेकेंड राउंड उनका जो था वो सेकेंड डे पे हुआ, जो MNC थी कोहली जो थी, वो आई थिंक मुझे 45,000 विथ अकोमोडेशन एंड फूडिंग मतलब ऑफर कर रहे थे, पैकेज भी अच्छा था, मतलब मैं वहाँ पे सेकेंड राउंड पे ही रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वो जो कंटेंट था मतलब मैं वो पढ़ के नहीं गया था, तो दैट वाज माय फॉल्ट, एंड आफ्टर दैट माय एमकॉम डेज वाज ओवर, एंड आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, एंड मतलब एक ही महीने में मेरे 10 इंटरव्यू, और जो 9 इंटरव्यू थे एक ही महीने में वो कंडक्ट हो गए। ग्रेट। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। राइट नाउ यू आर यस सर, लिविंग विथ योर फैमिली बिकॉज फाइनली यू डिसाइडेड कि यू शुड स्टे देयर, राइट?
वो ऑफिस आई थिंक सर जयपुर में बिकॉज था, राइट? जयपुर लोकेशन था ना? नहीं और सर हाँ नहीं सर बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर, ग्रेट। सो इट वाज तो ऑल्सो लोकेशन का कोई इशू नहीं था, बट क्या हुआ कि देर आर सम इशू फॉर माय पर्सनल रीजन, सो दैट मैं मतलब क्या कह सकते हैं कि एटलीस्ट मतलब मुझे पता चला कि मेरी पोटेंशियलिटी कितनी है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो अलग चीज है, मेरे पास में ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो राइट राइट मतलब सब बोल सकते हैं कि वो जो मतलब एक 10 कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया और मैं 7 में सिलेक्टेड हो गया था, और उसी 7 में से एक का मतलब मुझे ऑफर लेटर भी रिसीव हो गया, तो मतलब कॉन्फिडेंस दैट बहुत इज द अप हो ग्रेट गया। जर्नी फॉर या यस सर। अपने आप को अब राइट नाउ, आप फ्यूचर में कहीं भी तुम अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करोगे कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। यस सो सर दिस इज द मतलब लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, सो सेम लाइक यस दिस वे अदर स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग सीएमए एंड क्वालिफाइड सीएमए इंटरमीडिएट, दे कैन आल्सो ज्वाइन। क्या आप सजेस्ट करोगे अदर स्टूडेंट्स को कि मेरे कोर्स को में एनरोल लेना सर चाहिए? मेरे ये सर मेरा जो पहली पहली बार जो मतलब आया था मेरा ऑफर लेटर, तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि यार हम लोग भी तेरे साथ परस्यू कर रहे हैं तो हम लोगों का क्यों नहीं है, तो मैंने आपका कोर्स के बारे में उनको बताया था, मतलब वो लोग आप मतलब ज्वाइन किए होंगे, मतलब मुझे पता नहीं मेरा नाम लिया होगा या मतलब मैंने नहीं, उनका बहुत नंबर सारे प्रोवाइड स्टूडेंट्स कर ने दिया था। ऑलरेडी डायरेक्टली एडमिशन लिया, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस स्टूडेंट्स ने कैसे नहीं सर एडमिशन दिया। वैसे रेफरेंस की बात नहीं है, मतलब उनका बिल्ड हो जाए, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और उनका स्किल बिल्ड हो जाए तो यही बड़ी बात है। या डेफिनेटली दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मेन देखो, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ओके, सो कितना भी नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते हो। नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस बोथ आर रिक्वायर्ड टू क्रैक द इंटरव्यू। सो यस एनी सर, जो कि मेरा सजेशंस? पहला या इंटरव्यू में हुआ, ओ या जो कि मेरा पहला इंटरव्यू में हुआ था। राइट राइट सो एनी सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स अपनी जर्नी से कुछ भी? यस सर, जैसे कि मेरा हुआ था कि मैं जब इंटरमीडिएट दे रहा था बोर्ड टू, मतलब जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, मतलब बिना कोचिंग के नहीं कर सकते, मतलब मैं जब दे रहा था, मतलब मुझे आज भी याद है वो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर मेरा गया था वो मतलब अच्छा नहीं गया था, और फिर मैं घर में आया, जब डॉल फेस के सामने फेस के साथ ही मैंने घर पे आया था, तो मतलब पापा ने बोला कि नेक्स्ट वाला पेपर दे दो कोई नहीं, तब मुझे आई थिंक याद है मैं रात को 11 बजे सोया था और 1:30 बजे उठ गया था, मतलब पढ़ाई करने की, और मैं अपना वो जो पेपर था वो मेरा बहुत अच्छा गया था, आई थिंक आई हैव स्कोर्ड आसपास एग्जेम्पशन के आसपास, मतलब स्कोर हो गया था 59 या 58 हो गया था। और बाकी जैसे जॉब की बात करूँ तो मतलब आज नहीं आ रहा है, कल आएगा, मतलब सबके अंदर टैलेंट होता है और डिग्री तो सबके पास होती है, मतलब स्किल्स को डेवलप करना रहता है, और जैसे कि मैंने स्किल डेवलप किया मतलब आपके रॉकेट इंटरव्यू कोर्स से, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, मतलब बहुत कुछ जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से सीखा और वहाँ से अप्लाई किया, जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से सीखा और वहाँ से अप्लाई करके मतलब मुझे जॉब मिल गया। और ऐसा एक टाइम था जब मेरा मतलब एचआर का कॉल आता था लेकिन वो मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं करते थे ड्यू टू सम रीजन, एंड मेरा इंटरव्यू मतलब होते होते रह जाता था, और शॉर्टलिस्टिंग जैसे Naukri.com पे आता है ना, बट नॉट शॉर्टलिस्टेड, वैसे ही रह जाता था, और मतलब तब मैं बहुत निराश था, मतलब कैसे होगा क्या होगा, और सिर्फ डिग्री तो आ गई मतलब नौकरी नहीं आ रही, मतलब ऐसा कुछ सोच रहा था, मतलब तब मुझे पता नहीं था कि तो स्किल भी डेवलप करना रहता है, तो मैं अपने खुद से रिसर्च करके आपका नंबर निकाल के मतलब वो सब कुछ तैयार किया, तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ। मतलब मैं इतना स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि आपका अगर कुछ हो नहीं रहा है तो आप एटलीस्ट खुद से ट्राई करो, मतलब रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करो, मेहनत तो लगती है, तो उसके बाद क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, कि मुझे मैं फुल टाइम बीकॉम कर रहा था, बीकॉम मेरा फुल टाइम था और एमकॉम भी फुल टाइम था, जैसे क्लास जाना मैंडेटरी था और मैं बाहर नहीं जा सकता था, जैसे कि मेरा कोचिंग वगैरह करने के लिए, तो मतलब मेरे सिटी में कोई CSCA में के लिए कोचिंग नहीं देते, मतलब 60-70 किलोमीटर पे 60-70 किलोमीटर के अंदर अंदर तो कोई नहीं देते,
मतलब मैंने सेल्फ स्टडी करने की जो सोची, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब कोचिंग नहीं होगी तो मतलब क्लियर नहीं हो, मतलब खुद से अगर चाहे तो ट्राई करें तो क्लियर हो सकता है। अगर मेरा एक मतलब ख्वाहिश रह गई थी, मतलब दो ग्रुप एक साथ मैं क्लियर नहीं कर पाया और अभी तो फाइनल में आ गया हूँ, मतलब दो ग्रुप एक साथ दे रहा हूँ, तो दैट्स ऑल। मतलब हार नहीं मानना चाहिए नहीं, इसलिए हार बिल्कुल नहीं कोचिंग। मानना चाहिए, और फाइनल में होप्स हो कि आप बोथ ग्रुप आप एक साथ क्लियर करो। सो जो ड्रीम इंटर का रह गया फाइनल में कंप्लीट करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर में हम फिर से कनेक्ट करेंगे कैंपस के लिए, एंड वी विल प्रिपेयर फॉर कैंपस। ओके, सो थैंक्स फॉर कमिंग हेयर एंड शेयरिंग योर जर्नी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।